क्लास सिक्स आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट की जो कि है नोइंग अवर नंबर्स। नंबर्स में जैसे आप जानते हैं होल नंबर्स और नेचुरल नंबर क्या होते हैं और किस तरह से उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है और नंबर्स के बारे में भी जैसे आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। जिसमें इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो फिलिप्स है, वो आपको करना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है वो दिया प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट इन न्यूमरल्स। न्यूमरल्स में आपको लिखना है और कॉमा करके फिर लिखना है। इंडियन प्लेस वाली सिस्टम है तो उसके अकॉर्डिंग ही करना है। इसमें जैसा देख सकते हैं सारे जो क्वेश्चन है इसमें ऑलमोस्ट जो है इंडियन प्लेस वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग है। केवल इसका जो फोर्थ जो डी पार्ट है वो इंटरनेशनल प्लेस वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो फर्स्ट है इसमें जैसे 73,75,307 ये जैसे गिवन। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे या तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप चार्ट बना के भी इसे कर सकते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो देख सकते हैं जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख में ये दिया हुआ है। अब ये 73 लाख है तो 73 तो हो जाएंगे लैक्स में और वही 75,000 है तो 75,000 हो गए। अब 307 है तो 307 पीछे से 3 नंबर छोड़े कॉमा लिखते हैं फिर 2 नंबर छोड़े कॉमा, तो ये अपना आंसर होगा 73,75,307। अब है इसका डी पार्ट जो है 558,423,000 डी पार्ट है। जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में आपने चार्ट बना के किया है उसी अकॉर्डिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के लिए भी आप चार्ट बना सकते हो। इसमें आपको बताया 1, 10, 100, 1, 10, 100 इस तरह से पहले लिखते हैं। तो ये फर्स्ट तो स्टार्टिंग के ये यूनिट के लिए होते हैं, ये जो नेक्स्ट है वो होते हैं थाउजेंड के लिए, फिर ये होता है मिलियन के लिए और ये होता है बिलियन के लिए। तो जैसा आप देख सकते हैं 58 मिलियन, मिलियन में ये 3 कॉलम्स का होता है तो इसमें आपको 58 लेने हैं तो ये 58 पीछे लेंगे। नेक्स्ट है 423,000, तो ये 423 ये थाउजेंड मिलाने वाली लाइन में आ जाएगा। फिर है 202 लिख देंगे 202। अब यहाँ पर आपको 3 नंबर छोड़ के कॉमा लगाने हैं, ठीक है ना, पीछे से लास्ट से 3 नंबर छोड़ के कॉमा लगाएंगे। तो देख सकते हैं क्या आंसर होगा 58,423,202 इस तरह से आपको ये करना है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन थर्ड, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें आपको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड। जैसा आप देख सकते हैं इसमें पहले कॉमा पुट करना है, तो नंबर जैसा मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट पार्ट करें जैसे 8795,762। इसमें पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए में कि पहले 3 नंबर छोड़ के कॉमा लगाते हैं फिर 2 नंबर छोड़ के पीछे से कॉमा लगाते हैं। तो ये इसमें करना है, पहले कॉमा इंसर्ट कर लेते हैं। पहले 3 नंबर छोड़ के कॉमा लाएंगे फिर 2 नंबर छोड़ के कॉमा,
अब चाहो तो आप इसे डायरेक्टली वर्ड्स में लिख सकते हो नंबर फ्रेम में, और प्लेस वैल्यू चार्ट बना करोगे तब भी लिख सकते हो वैसे भी। तो देख सकते हैं यहाँ ये नंबर किसमें, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, करोड़, करोड़ में। तो यहाँ पर करोड़ में कितने, एट, तो लिखेंगे एट करोड़। अब लैख में कितने, 75 लाख, तो हो जाएगा 75 लाख। अब थाउजेंड में 95, तो 95,000। आगे 762 हो जाएगा, तो होगा 762। इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर ये समझ में ना आए तो उसके लिए आप पहले चार्ट बना के भी लिख सकते हो इंडियन प्लेस वैल्यू का, जैसे तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, करोड़ और टेन करोड़। तो इसमें देख सकते हैं अभी जैसे लास्ट से नंबर लिखने हैं तो 2675, 2675, 9578, 9578। तो देख सकते हैं ये एट किसमें, करोड़ में, इसलिए एट करोड़ हो गया। अब लैख में, ये दोनों लैख में है, तो कितने लैख में, 75 लैख। ये थाउजेंड में है तो 95 है, तो 95,000, फिर 760। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, जैसे थर्ड में दिया हुआ था, तो आपको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा पुट करके फिर नंबर से लिखने थे। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको कॉमा इंसर्ट करना है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग, और उसके बाद वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ जो इसका ए पार्ट है वो देखेंगे, जो है 7 8 9 2 1 0 9 2। इसमें आपको पहले क्या करना है, चाहो तो इसी तरह से पहले चार्ट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। तो वही वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस, इस तरह से वंस, टेंस, हंड्रेड में चार्ट पहले प्रिपेयर कर लोगे। बता रखा है फर्स्ट तो ये यूनिट के लिए होता है, ये थाउजेंड के लिए, ये मिलियन, और ये बिलियन के लिए होता है। और जैसा देख सकते हो पीछे से लास्ट से नंबर लिखने हैं, 2 9 0 1 2 9 8 7। तो सबसे पहले आपको कॉमा पुट करना है, तो कॉमा के लिए आप ऐसे लिखोगे 78 9 2 1 0 9 2। जैसा मैंने बताया था 3-3 नंबर छोड़ के पीछे से कॉमा लगाते हैं। तो इस तरह से पहले आपको कॉमा पुट करना है, उसके बाद अगर जब इसे आप वर्ड्स में लिखोगे तो देख सकते हो यहाँ पर मिलियन में है ये नंबर, मिलियन में कितना है, साथ में इसको रीड करेंगे 78 है, मतलब 78, तो लिखेंगे 78। मिलियन में है तो मिलियन। अब यही थाउजेंड में अगर देखें तो देख सकते हैं यहाँ 921, यानी कि 921 ये थाउजेंड में, तो लिखेंगे 921,000। अब लास्ट में देखो 100 में कुछ नहीं है, केवल 92 है, तो 92 हो जाएगा। ये इस तरह से आपको करना है, पहले कॉमा लगा के पहले नंबर लिखने, उसके बाद इसको वर्ड्स में करना। अब बेटा एक्सरसाइज इसकी 1.2 देखेंगे, जो आपको वर्ड्स प्रॉब्लम में दी हुई है, एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं, उसके बारे में आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन के अंदर कुछ हिंट होते हैं आपको, जैसे आप छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा सम, वर्ड प्रॉब्लम में पढ़ा होंगे, तो जब सम हो जब क्वेश्चन के अंदर और
ऑल टुगेदर टोटल सम ये वर्ड दिए हो तो मोर देन इनका मतलब होता है प्लस करना। और वही अगर अपने पास लेफ्ट लेफ्ट वेट या डिफरेंस अगर क्वेश्चन में दिया हो इसका मतलब होता है माइनस करना। वही क्वेश्चन में अगर प्रोडक्ट दिया हो तो मल्टीप्लाई होता है। तो जैसा आपको बताया कि मल्टीप्लाई की अगर बात करें कोई अगर वन ऑब्जेक्ट है अगर उसकी कॉस्ट दी हुई है ज्यादा की पूछी है तो आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। जैसा कि कॉस्ट ऑफ वन मार्कर जैसे मैंने आपको दे दिया 25 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 मार्कर्स हो गया। तो वन की अगर 25 है तो 10 की ज्यादा होगी, ज्यादा के लिए क्या करेंगे 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ वन मार्कर को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो अपने पास टोटल आ जाएगा कॉस्ट। तो मतलब जब आपको किसी भी वन ऑब्जेक्ट की कॉस्ट दी हुई और ज्यादा की पूछे तो हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ जैसा आप देख सकते हो एक्सरसाइज 1.2 जो वर्ड प्रॉब्लम है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 डेज इन स्कूल। एक स्कूल के अंदर एक बुक एग्जीबिशन हुआ 4 डेज के लिए जिसमें दिया द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फाइनल डे। इसमें जो टिकट्स है वो काउंटर पे कितने सेल हुए फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ डे में वो आपको नंबर में दिया हुआ है 1094 और 1812 2050 एंड 2751। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। यहाँ पर टोटल बताया, टोटल का मतलब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ जैसा आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करोगे तो पहले लिखोगे नंबर्स ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सबसे पहले फर्स्ट डे, फर्स्ट डे में लिख लोगे, सेकेंड डे में लिख दोगे, थर्ड डे का लिख दोगे और फोर्थ और फाइनल डे का लिख दोगे। कितना दे रखा है जैसे फर्स्ट डे में तो आपको दिया हुआ है 1094, सेकेंड डे में है 1812, थर्ड डे में है 2050 एंड लास्ट फाइनल डे में है 2751। तो आपको टोटल टिकट सोल्ड निकालना है तो उसके लिए आप प्लस करेंगे तो लिखेंगे यहां पर देयरफॉर से टोटल टिकट्स सोल्ड ऑन जैसा आपको देखो बोला है टोटल टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज, ऑल 4 डेज में कितने सेल हुए वो आपको निकालना है तो उसके लिए प्लस कर लोगे सबको जो है 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। देख सकते हैं जैसा मैं यहाँ प्लस कर रहा हूँ तो 1094 1812 2050 और 2751 प्लस करेंगे 4 2 6 6 7 9 1 10 10 5 15 और 5 20 2 कैरी 8 2 10 और 7 17 1 कैरी 2 2 4 5 6 एंड 7। तो देख सकते हैं टोटल कितना इसमें सेल हुआ 7707 टिकट्स ये सेल हुआ। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब नेक्स्ट है इसका सेकंड, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैच, ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। मतलब शेखर जो कि एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है उसने अभी 6980 रन्स जो है वो टेस्ट मैच में बना लिए हैं और वो 10,000 रन्स बनाना चाह रहा है। तो हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, तो उसे और कितने रन्स की जरूरत पड़ेगी। तो माइनस करेंगे दोनों को क्योंकि 10,000 रन तो ये क्या विश कर रहा है, उसमें से कितना बना चुका है 6980 रन्स ये बना चुका है टेस्ट मैच में, तो इसको क्या करना है माइनस करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स इन एंड हिज नियरेस्ट
rivals secured 348,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? मतलब एक इलेक्शन के अंदर एक सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है उसको वोट कितने मिल रहे हैं यहाँ पर 577,500 वोट मिल रहे हैं, और इसका जो ओपोजिशन में जो भी है इसका जो नियरेस्ट राइवल है उसको कितने वोट मिले हैं 348,700 वोट मिले हैं। तो बताना है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट कितने वोट से इलेक्शन जीता है, तो यहाँ पर भी आप दोनों को माइनस करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स रॉथ रुपीज 285,891 इन द फर्स्ट वीक। मतलब कीर्ति बुक स्टोर जो है उसने जो बुक्स बेची है फर्स्ट वीक ऑफ जून में वो है 285,891 बुक्स है। इसकी कॉस्ट की बुक्स इसमें सेल की इसने, एंड द बुक्स रॉथ रुपीज 4,00,768 इन सेकेंड वीक ऑफ मंथ, और जून के सेकेंड वीक के अंदर इसने 4,00,768 रुपीज की जो है बुक्स वो सेल की है। तो हाउ मच वॉज द सेल फॉर द टू वीक टुगेदर, टुगेदर यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों वीक्स में इसकी टोटल सेल कितनी हुई। तो टुगेदर का मतलब मैंने आपको जैसा बताया था, टुगेदर ऑल टुगेदर इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। एंड इन विच वीच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, और किस वीक में सेल ज़्यादा थी और कितनी थी। तो देख सकते हैं दोनों में से सेल फर्स्ट वीक में ज़्यादा है या सेकेंड वीक में, तो जैसा देख सकते हैं सेकेंड वीक में ही ज़्यादा है, 4,00,768 है ना। तो सेकेंड वीक में सेल क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो लिखेंगे इन सेकेंड वीक वॉज द सेल ग्रेटर, बाय हाउ मच पूछा है तो दोनों को माइनस भी करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको प्लस और माइनस दोनों करना है। अब है अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ क्वेश्चन में देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट फाइव डिजिट दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट्स ईच वन ओनली वंस। मतलब यहाँ पर जो डिजिट्स दिए हुए हैं उनको केवल वन टाइम लिख के आपको लीस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और उसका डिफरेंस निकालना है। तो देख सकते हैं जैसा इसका पहले ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर बना लेते हैं। ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर बनाएंगे, डिजिट से यहां पर आपको दिए हैं 6, 2, 7, 4 एंड 3। इससे बनाने आपको सबसे पहले देखो ग्रेटेस्ट बनाते हैं, तो ग्रेटेस्ट जो भी नंबर है तो उसमें पहले ग्रेटर नंबर को लिखना है जो है 7, उसके बाद में 6, फिर 4, 3 और 2, इस तरह से लिखेंगे। वही स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं तो एसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, अब है स्मॉलेस्ट या लीस्ट फाइव डिजिट नंबर, वन वन टाइम ही यूज करना था डिजिट को, तो लीस्ट इसमें फाइव डिजिट नंबर बनेगा, तो पीछे से लिख देंगे 2, 3, 4, 6, 7, यानी 23,467। अब दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है, जैसा क्वेश्चन में बोला फाइंड द डिफरेंस, तो यहां पर डिफरेंस बिटवीन देम करेंगे। वही 76,432 जो ग्रेटेस्ट नंबर है माइनस करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा 23,467, इस तरह से दोनों को माइनस करके फिर आंसर आपको निकालना है। माइनस करेंगे 12, 2 में से 7 नहीं जाता, बोरो करेंगे तो 12 में 7 गए 5, 2 में से 6 नहीं जाता इससे बोरो करेंगे तो 12 माइनस 6 करेंगे 6, 3 में से 4 नहीं ले सकते तो इससे कैरी बोरो करेंगे तो होगा 13-4, 9, 5-3 करेंगे तो होगा 2, और वही 7-2, तो 52,965 की आंसर होगा। तो आपको इसके एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 के अप टू क्वेश्चन 5 तक करना है। थैंक यू।